आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ, अंबाला से बड़ी खबर। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तो हाईवे पर दो तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े हैं। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति दिखाई दी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक बड़ा हादसा यहां पर, हादसे के बाद से हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जाम लगा हुआ है। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा। तो हाईवे पर दो गाड़ियों की ये टक्कर, और साथ ही हम आपको उस दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो हाईवे पर दो तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े हैं, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, उसी दौरान की तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो जाम की समस्या भी यहां पर खड़ी हो गई है। अंबाला नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई है, दो तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा और दर्दनाक रहा होगा। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, और साथ ही यहाँ पर गाड़ियों को बीच सड़क से हटाया जा रहा है ताकि जो जाम है वो खुल सके। तो दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसकी वजह से जाम भी लग गया है। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया, दो तेज रफ्तार ट्रक आपस में भिड़े हैं, उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए। हादसा इतना दर्दनाक रहा होगा, और साथ ही आपको बता दें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तेज रफ्तार का यहां पर कहर देखने को मिला। हादसे के बाद हाईवे पर जाम के हालात दिखाई दे रहे हैं। रास्ते को साफ किया जा रहा है, गाड़ियों को हटाया जा रहा है ताकि जो जाम है वो खुल सके। तो हाईवे पर हादसे के बाद जाम की स्थिति, अंबाला से बड़ी खबर, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर ये बड़ा हादसा। तेज रफ्तार का ये कहर सीधे तौर पर दिखाई दिया है, दो ट्रक आपस में टकराए हैं, जिस वजह से पूरा हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिरसा से बड़ी खबर। नटार गांव में दो युवक सीवर में गिरे हैं। आपको बता दें कि सीवर का ढक्कन खोलते ही गैस से हुए हैं बेसुध। सीवरेज लाइन से एक युवक को निकाला भी गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीवर में दूसरे युवक की तलाश जारी है, जेसीबी से खोदी जा रही है सीवरेज लाइन। एसडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। तो खेत में पानी लगा रहे थे दोनों युवक, सीवर में दूसरे युवक की तलाश की जा रही है, बेसुध हो गए हैं गैस की, जैसे ही जो महक है जो निकलती है उसके बाद ये एक युवक जो है बेसुध हो गया वहां पर। खेत में पानी लगा रहे थे दोनों युवक। नटार गांव में दो युवक सीवर में कूद गिरे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सिरसा से, इस वक्त की बड़ी खबर। सीवर का ढक्कन खोलते ही गैस से बेसुध हो गए और दो युवक सीवर में गिर चुके हैं, हालांकि एक युवक की तलाश की जा रही है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर सिंह जैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, दो जो किसान थे अपने खेतों में पानी दे रहे थे, जो सीवरेज लाइन जो नटार में डिस्पोजल है, डिस्पोजल के पानी से खेतों में सिंचाई हुई है, वो खेतों में पानी दे रहे थे। उसमें जब पानी कम हुआ तो उनमें से दोनों ने जाके देखा कि उन्होंने सोचा कि ढक्कन खोल के देखते हैं कि पानी कम क्यों हुआ है। तो जैसे उन्होंने ढक्कन खोला तो वो एक बेहोश होकर उसके अंदर गिर गया, दूसरा उसको निकालने के चक्कर में वो अंदर गिर गया। एक को गरीबत है, जेसीबी के मशीन से उसको निकाला जा चुका है, उसको हिसार रेफर कर दिया गया, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन दूसरों का अभी भी तलाश जारी है। उसके लिए अभी 12 घंटे हो चुके हैं और फिलहाल रात से तलाश जारी है, और अब फिलहाल आर्मी भी वहां पहुंच चुके हैं। आर्मी अपने सारे जो उपकरण है वो निकालने के लिए, किस तरह से सीवरेज के अंदर डाला जाता है, किस तरह साइड से गड्ढा खोदा जाता है, तमाम तरह की जानकारी के फिलहाल आर्मी पहुंच चुके हैं। दूसरा जो किसान जो अंदर सीवरेज में गिरा हुआ है उसकी तलाश जारी है। मौके पर रात को भी लगातार डीसीओ एसडीएम लगातार रात को मौके पर वहां उपस्थित रहे, लेकिन एक युवक को निकाल पाए, दूसरे को भी तलाश जारी है। जी शुक्रिया अमर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो जेसीबी से खोदी जा रही है, आपको बता दें कि सीवर में
दोनों युवक जो हैं वो बेसुध होकर गिर गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, एनसीआर में रात भर झमाझम बारिश हुई है। आपको बता दें कि रात से ही बारिश का जो दौर है वो जारी है और लगातार तेज बारिश होने से सड़कों पर जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। लोगों को ऑफिस आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को, वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी बीच सड़क पर लोगों की फंसती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगले दो दिन तक बारिश होने की संभावना है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तेज बारिश से उमस और गर्मी से लेकिन राहत मिली है। हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट ले ली, और मौसम ने करवट ली तो लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी हो गई। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, उमस से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव की स्थिति सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। राहगीरों को, वाहन चालकों को, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि नगर निगम के जो तमाम दावे किए जाते हैं बरसात के मौसम को लेकर, उसकी भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है, लोगों को काफी ज्यादा तकलीफें। नई दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम की करवट लेने के बाद से ही रात भर मूसलाधार बारिश हुई है, और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई है। कई जगह पानी भर गया है जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, और मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जाहिर किया है। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, गर्मी से राहत मिली है लेकिन राहगीरों को, वाहन चालकों को, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां पानी में डूबती हुई दिखाई दी, चूंकि आपको बता दें कि लगातार हम देखते हैं कि दिल्ली की सड़कें दरिया बनती हुई नजर आती है। हालांकि रात से ही जो झमाझम बारिश है उसका दौर जारी है, तो कहीं राहत है और कहीं आफत बारिश लोगों के लिए लेकर आई है। तो सड़कों पर जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है लेकिन गर्मी उमस से राहत मिली है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है झमाझम बारिश होने से। दिल्ली की सड़कें जो है वो भी लबालब पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है। वहीं सोनीपत शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। बरसात में खुली है प्रशासन के तमाम इंतजामों की पोल। गीता भवन, ककरोई चौक, शनि मंदिर चौक पर पानी भरा है। शहर के कई सेक्टर और कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को जो घरों से बाहर निकलना है वो काफी मुश्किल हो गया है। तो गीता भवन, ककरोई चौक, शनि मंदिर पर जलभराव की समस्या, शहर के कई सेक्टर और कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। लोगों के वाहन कई जगहों में पानी में फंसे हुए हैं, कई वाहन जो है वो पानी में जाते ही बंद हो गए, तो काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत मिली है गर्मी से लेकिन सोनीपत की सड़कें भी जलमग्न हो गई। तो गीता भवन, ककरोई चौक, शनि मंदिर चौक पर ये पानी भरा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर के कई सेक्टर और कई इलाकों में जलभराव है, झमाझम बारिश हो रही है, लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। आने वाले दो दिनों में भी बारिश हो सकती है जिसकी संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में तमाम जो दावे और वादे किए जाते हैं उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सड़कों के हालात हैं आप देख सकते हैं। कई लोगों की गाड़ियां बीच सड़क में जलभराव के चलते बंद हो गई है। गाड़ियां जो है आधी डूबती हुई नजर आई हैं इस पानी में। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी परेशानियों का सामना वाहन चालक, राहगीर कर रहे होंगे। तो बारिश से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ राहत है तो दूसरी तरफ आफत भी बारिश लेकर आई है। हरियाणा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, दिन भर तेज बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है अगले दो दिन भी तेज बारिश का अलर्ट हो सकता है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनी मलिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रात से ही बारिश का दौर जारी है, जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है, ऐसे में कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है?
जी प्रीति, जिस तरह से रात भर से बारिश है वो सोनीपत जिले में हो रही है और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो रही है, तो जल भराव है सड़कों पर वो हो रहा है। हालांकि जो धरती पुत्र है किसान, उसके लिए रात भरी बरसात है, क्योंकि जो धान की बुआई है उसका सीजन है वो पूरा हो चुका है और अब धान की जो फसल को पानी चाहिए था और ये जो बरसात है उनके लिए अमृत है बिल्कुल। और हालांकि जो सड़कें हैं वो जलमग्न है, हालांकि प्रशासन ने जो दावे किए थे प्रीति कि इस बार जो सड़कों पर पानी है वो नहीं खड़ा होने दिया जाएगा, वो दावे हैं वो फेल हो रहे हैं। हमने आपको अपने दर्शकों को तस्वीरें हैं वो दिखा, हम बार बार दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि सोनीपत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर की दो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी है, दरिया है, नहर है, वो सड़कें हैं वो बन चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, सोनीपत मार्केट में हम मौजूद हैं। गौरव, किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई थी लेकिन अब जो बरसात का जो पानी है वो भरा हुआ है, कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? मिनट बारिश आते ही यहाँ पे इतना पानी हो जाता है कि कहने की हद नहीं होती। हमारे दुकान के अंदर पानी घुसा हुआ है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम 50 बाल्टी निकाल चुके हैं, अभी भी हम 200 बाल्टी निकालेंगे तो भी कम है वो। प्रशासन ने दावे किए थे कि अब की बार जो पानी खड़ा नहीं होने दिया जाएगा सड़कों पर, लेकिन बदसूरत जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि पानी से जलमग्न सड़कें हैं, उसको कहाँ देखते हो? उसको देख ही रहे हैं, यहाँ पानी बोलते हैं कि हम यहाँ ठीक कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, कोई यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। 5 मिनट में बारिश भर जाता, पानी भर जाता है पार्किंग में, कोई वो नहीं सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। प्रीति, जिस सेक्टर में हम मौजूद हैं वो वहाँ पर MLA सुरेंद्र पवार का मकान है, पूर्व शहरी निकाय मंत्री कविता जैन का वहाँ पर मकान है, सांसद महोदय सोनीपत के रमेश चंद्र कौशिक का यहाँ पर मकान है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल, जो दावे सरकार कर रही थी कि सड़कों पर पानी नहीं खड़े होने दिया जाएगा, वो बिल्कुल उलट है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो जलमग्न है, जो पानी है 4-4 फुट यहाँ पर खड़ा हो चुका है और जो वाहन चालक है उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रीति सनी, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर भी जलभराव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, आप तो चाहेंगे हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है बरसात से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ लगातार ये कहा जाता है कि तमाम जो दावे वादे कर रहे हैं कि अगर बारिश आती है बरसात आता है तो उससे निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन ऐसे में एक तरफ COVID-19 है, गंदगी का बंबार लगेगा अगर जलभराव की समस्या है, तमाम बीमारियां यहाँ पर फैलेगी, तो ऐसे में किस तरीके से निपटा जाएगा ऐसी स्थिति से? जी प्रीति, आपने सही फरमाया कि COVID-19 का दौर चल रहा है और महामारी है और गंदगी फैलेगी तो जो बीमारी है जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उसकी जो समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ तो सरकार को COVID-19 से निपटना है और अब जो डेंगू है उससे निपटना पड़ेगा। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूंगा प्रीति कि जो सबसे पोश इलाका माना जाता है सेक्टर 15 का और यहाँ की जो मेन मार्केट है सेक्टर 15 की, वहाँ की जो तस्वीरें हैं ये वो तस्वीरें हैं। हालांकि बरसात है और धीरे धीरे हालांकि बरसात है वो कम हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ऐसे ही जारी है कि जल भराव है, मार्केट के अंदर इतना पानी भरा है कि इसकी निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं की गई है प्रशासन द्वारा। जो दावे किए गए थे कि ड्रेन नंबर 8 को, जिसको बनना था 2018 के लास्ट तक, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य वो नहीं पूरा हुआ है। जब शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन यहाँ से विधायक होती थी, मंत्री होती थी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन उसका निर्माण कार्य अधर में पड़ा है और इसी के चलते पूरा सोनीपत जलमग्न है। जी प्रीति सन्नी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि यह अधिकारियों के घर के बाहर का आलम है और काफी पॉश एरिया है यहाँ पर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गलियों के हालात किस तरीके से निकलकर सामने आ रहे होंगे। सन्नी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आम जनता आम भरोसे है और बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे चंडीगढ़ से, बड़ी खबर, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, विधानसभा सत्र बुलाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, तो बैठक में कई फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई फैसलों को मंजूरी मिल सकती है। हरियाणा सचिवालय में शाम के 5 बजे ये बैठक होनी है, तो तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। बैठक में कई फैसलों को मंजूरी मिल सकती है, मुहर लग सकती है, हरियाणा सचिवालय में शाम के 5 बजे ये बैठक होगी, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज, विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बातचीत होगी, से मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा और सत्र को लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई है, और वहीं स्पीकर ने पंजाब हरियाणा विधानसभा विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, दरअसल विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने तमाम बातें कही है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए।
हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की माने तो वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सिटिंग प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी कहा कि अभय चौटाला की ओर से आए पत्र में सिटिंग के लिए जो मांग की गई है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए, विधानसभा का सत्र कब होगा इसका निर्णय तो कल जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उस बैठक के अंदर वो निर्णय करेंगे कि किस तारीख को कौन कौन सी डेट को विधानसभा का सत्र बुलाना है। लेकिन हम सत्र बुलाने के लिए सत्र का अरेंजमेंट हमने पूरी तरह से कर लिया है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है हमने कोरोना का ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने वहाँ पर जो विजिटर गैलरी है या स्पीकर्स गैलरी है उन दोनों के साथ जोड़ करके इस सत्र को हम सफलता से कर पाएंगे। एक पत्र उनका मुझे मिला है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे उचित स्थान मिलना चाहिए और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ नियम और कानून के तहत पार्टी की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित स्थान उनको बैठेगा हम उनको जरूर देंगे। उनकी पूरी हम इज्जत जो है वो एक माननीय हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं उनका मान और सम्मान जरूर हम करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जो हमें नियम और कानून हमारे इजाजत देंगे। इतना ही नहीं, ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चल रहे उठापटक पर भी कहा कि पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर से वो मिल चुके हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मामले का हल होगा, लेकिन अब तक इस मामले पर पंजाब सरकार कोई काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक स्वतंत्र एजेंसी तय करे कि किसके हिस्से में कितना जमीन है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उससे कई चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो पंजाब से 40-60 का जो हिस्सा है वो मांग रहे हैं जो हरियाणा का हक है। हम बात कर रहे हैं कि जो 40 हमें मिलना चाहिए था वो 40 हमें अभी तक नहीं मिला। अच्छा होता पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष जब मैं उनसे मिला था उन्होंने एक बात कही थी कि दोनों विधानसभाओं के सेक्रेटरी एक टेबल पर बैठ करके चर्चा कर लेंगे और अगर आपका हिस्सा है तो हम आपको दे देंगे। अब पता नहीं क्या कारण के किस कारण से वो अपनी बात से पीछे हट गए। जो उन्होंने कहा था वो टेबल पर बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया और बिना कोई चर्चा के बिना किसी बात के उन्होंने ये कह दिया कि एक इंच भी जगह हम हरियाणा विधानसभा को नहीं देंगे। मैंने बार बार कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। और जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक मांग रहे हैं। अगर वो बैठ करके कहीं पर भी, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना क्लेम या जो उनके पोजेशन में स्थान है वो अपना स्थान बता दें, हम अपना बता देते हैं। किसी तीसरी एजेंसी को, इंडिपेंडेंट एजेंसी को तय करें और जो वो डिसाइड करें तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए मैंने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय बीपी बदनौर जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो, क्योंकि चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी के वो कर्ता धर्ता हैं, उनकी देखरेख के अंदर सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पंजाब के पास है चाहे हरियाणा के पास है, और उन्होंने भी वायदा किया कि भी हम 3 मेंबर की कमेटी बना करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारी पूरी है। अब देखना है कि सरकार सत्र के तारीखों का ऐलान कब तक करती है, लेकिन ये साफ है कि पंजाब सरकार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर चुप्पी साधे हुई है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की।